start, we will be starting today the second chapter of economics, or the name of the chapter is basic entities in an economy. तो इस टर्म में, इस चैप्टर का जो नाम है, इस चैप्टर का नाम में आपको दो टर्म नजर आएगा. एक है एंटिटीज और है एक इकोनॉमी. इकोनॉमिक, इकोनॉमिक्स जो इसके पहले हम लोग समझे थे, और इकोनॉमी, ये अलग अलग है. सो डू नॉट उसको एक जैसा यूज नहीं करना, ठीक है? ओके, सो एंटिटी का मतलब क्या होता है? बेसिकली अगर हम लोग जनरल सेंस में समझे तो एक एंटिटी का मतलब होता है एक डिफिनेट, एक बॉडी. फॉर एग्जाम्पल, जॉर्ज अकेडमी. जॉर्ज अकेडमी इज एन एंटिटी, राइट? वो एक अलग बॉडी है जिसका अपना अलग आइडेंटिटी है और एक अलग पहचान है. लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल, दिस इज अ एंटिटी. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दिस इज एन एंटिटी, राइट? जिसका अपना एक पहचान, अपना एग्जिस्टेंस होता है. So that is what we mean by term entity. Now, economy. What is economy? So I'll show you some pictures. So a woman walking in a construction site, few laborers working in a mine, फार्मर है ना, अपने खेत में अपने किसानी कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं. अगर आप इन पिक्चर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो आप एक चीज देखेंगे, ये जितने भी यहां पे एक्टिविटीज परफॉर्म हो रहे हैं, ये सारे के सारे एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज है. ये सारे एक्टिविटीज इस इंटेंशन से किया जा रहा है कि ये लोग अपना रोजी रोटी कमा पाए, अपना लिविंग कमा पाए. सिंपल सा चीज, राइट? ना, एक चीज हमेशा याद रखना कि हर व्यक्ति को अपना जरूरत पूरा करने के लिए, अपने वांट्स, जो बेसिक, जिसको हम बोलते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, एडुकेशन, गुड हेल्थ, ये सब हमारा आज का डेट में नेसेसिटीज है, हमारे वांट्स है. और इन सब को पूरा करने के लिए हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. सो These are the economic activities being performed. हर शहर, हर जगह, शहर आसनसोल ले ले, कोलकाता, दिल्ली, बॉम्बे, स्टेट लो लो ले लो, या एज अ कंट्री इंडिया ले लो, हर जगह अपने सिटीजन्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है अपना रोजी रोटी कमाने के लिए. आज हम लोग जिस शहर में रहते हैं आसनसोल, इस शहर में मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिला है, इसको, इस शहर में स्कूल्स अच्छे हैं, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, आईसीएसई, सीबीएसई माध्यम के स्कूल्स हैं, उसके चलते मेरे को और मेरे जैसे कई टीचर्स को अपॉर्चुनिटी मिला है कि हम लोग पढ़ा कर अपना रोजी रोटी कमा पाए. सो ये अपॉर्चुनिटी मेरे को, ये मेरा शहर दे रहा है, करेक्ट? आसनसोल में बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, स्टील फैक्ट्री है, आयरन फैक्ट्रीज है, बहुत सारे लेबर्स, वर्कर्स वहां पर भी काम करते हैं, उनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं. हॉस्पिटल्स है, डॉक्टर्स है वहां पे, राइट? मेडिकल स्टाफ्स है वहां पे, वो लोगों का रोजी रोटी वहां से चल रहा है. आसनसोल में ट्रेड होता है, बिजनेस है, तो बिजनेस है तो वहां से रोजी रोटी चल रहा है. ट्रेड और बिजनेस ज्यादा है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम है, तो सीए का भी रोजी रोटी चल रहा है. आसनसोल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो लॉयर्स और लॉ कोर्ट से जुड़े जितने भी सारे लोग हैं उनका रोजी रोटी चल रहा है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट एवरी सिटी, एवरी प्लेस, एवरी रीजन विल प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी for the people who are residing in that place to earn their living. This system of providing opportunity, is called economy. So economy kya hai? Kuch nahi hai. Hum log isko do tarika samajh sakte hai. It's the sum total of economic activities.
अगर हम आसनसोल का बात करें तो आसनसोल में कई सारे लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज अलग अलग तरीका की इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, और ये सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो वो आसनसोल का हमारे शहर का इकोनॉमी बन जाता है। इसलिए हम लोग कभी कभी तुम लोग सुने होंगे कि बॉम्बे का इकोनॉमी अच्छा है, मद्रास का इकोनॉमी अच्छा है, बैंगलोर इज ग्रोइंग, बैंगलोर का इकोनॉमी सिचुएशन अच्छा है, या यूएस इज का इकोनॉमी इंडिया से बेटर है। क्यों हम लोग सुनते हैं? तो हम लोग जब बोलते हैं कि बैंगलोर का इकोनॉमी आसनसोल की इकोनॉमी से बेटर है, इसका मतलब यह होता है कि बैंगलोर शहर एक में बैंगलोर शहर अपने वहां पे रह रहे लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कंपेयर टू आवर सिटी आसनसोल। आसनसोल हमारा शहर जितना प्रोवाइड कर रहा है, जितना अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को कमाने के लिए, उससे कई ज्यादा बैंगलोर, दिल्ली, पुणे, बॉम्बे, ये सब शहर अपने लोगों को वहां के, वहां पे जो लोग रह रहे हैं, वहां के जो रेसिडेंट्स हैं, वहां के जो सिटीजन्स हैं, उनको ज्यादा, इसलिए लोग देखते हैं कभी कभी छोटे शहरों से लोग बड़े शहरों में चले जाते हैं जॉब की तलाश में, इकोनॉमिक एक्टिविटी की तलाश में, क्योंकि उनका शहर वो सफिशियंट इकोनॉमिक एक्टिविटी उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, इसलिए लोग बाहर चले जा रहे हैं। तो इकोनॉमी को अगर हम लोग समझा जाए तो दो तरीका से समझेंगे। नंबर वन, सम टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगर इस पिक्चर को देखें तो देखो कोई डॉक्टर है ना, तो कोई इंजीनियर है, तो कोई लॉयर है, तो हर लोग यहां पे अलग 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 प्रकार के काम कर रहे हैं। सो ये जो अलग अलग प्रकार के काम कर रहे हैं, ये उनका शहर जहां पे वो रह रहे, वो शहर उनको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया है, कर रहा है। इसलिए वो लोग, अगर आज आसनसोल में सारे स्कूल्स बंद हो जाए तो फिर ये शहर मेरे को वो पढ़ाने का अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, तो हमको अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी के तलाश करने के लिए हमको अपना शहर छोड़ करके बाहर जाना पड़ेगा। बट सिंस यहाँ का एजुकेशन सिस्टम टिल क्लास 12 इज गुड, वी हैव गुड स्कूल्स, गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो देयरफॉर I have an opportunity to earn my living in this city only, and I don't need to leave my city and go outside. So therefore, that is why अगर economy को simple भाषा में समझा जाए तो economy क्या है? एक ऐसा system by which people get a living. So अगर हम बात करें, what is the economy of Asansol? Economy of Calcutta, economy of Lucknow, economy of Bombay. It means the system of that city, of that place, of that region, that is providing living to the people. So bade shehar mein, if you go to Bangalore, wahan pe itne sare IT companies, itne sare industries, itne corporate office hai ki itni opportunities hai ki log yahan se jayenge unko naukri mil jayega, agar unme caliber hai, to opportunities zyada hai as compared to chote shehar. So that is what we mean by the term economy. जिस तरह से आसनसोल की economy है, उस तरह से एक state का economy होता है, उसी तरह से इंडिया का, देश का economy होता है, और उसी तरह से पूरा दुनिया का economy होता है। इसको आप छोटे level में जो concept समझ रहे हैं, इसी चीज को आप बड़े level में भी magnify करके भी समझ सकते हैं। उसी तरह से हमारा देश as an India country, it provides opportunities to the citizens of India to earn their living. Clear है? और जिनको एडवोकेट अपॉर्चुनिटी अपने देश में नहीं मिलता है, वो लोग अपना देश छोड़ के बाहर चले जाते हैं, right? समझ में आ रहा है? So that is what we mean by the term economics. Economy is a system by which people are getting their a living, and is the sum total of the economic activities. We can understand that way also. जितने भी economic activities perform हो रहे हैं in a particular region, that becomes the economy of that particular place. आगे बढ़ते हैं। So एक economy का main functions क्या होता है? जब हम बात कर रहे हैं वो system का, वो शहर जो वो system दे रहा है, शहर वो जो opportunity provide कर रहा है, right? वो economy का क्या function है? कैसे वो opportunity आता है? तो main functions, number one, to produce the goods and services to satisfy the human wants. सर सबसे पहला चीज है, you have to see that adequate productions are taking place. वहां के लोगों का जो wants है, उस शहर का, उस particular region का, लोगों का जो wants है for the particular product or services, for different products and services, उन product और services का production हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
अभी फॉर एग्जाम्पल मान लो, हम छोटे एग्जाम्पल लेते हैं, मी एज एन ओनर ऑफ अ जॉर्ज अकेडमी, हम चाहते हैं कि जॉर्ज अकेडमी को हम 100% हम लोग 40-50% हम लोग एडटेक में है, मतलब हम लोगों का टीचिंग प्रोसेस में हम लोग ने टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया है, बट हम लोग चाहते हैं कि अकेडमी को 100% एडटेक बनाए। अब उसके लिए हमको गुड सॉफ्टवेयर कंपनीज चाहिए आसनसोल में, मेरे शहर में ऐसे लोग जिनका सॉफ्टवेयर कंपनीज है और जो ये सोल्यूशन हमको बना करके दे सके। अब अगर हमको ये सेवा यहां पे नहीं मिलेगा तो हमको बैंगलोर जाना पड़ेगा, हमको बॉम्बे जाना पड़ेगा, हमको हैदराबाद जाना पड़ेगा जहां पे ये आईटी कंपनीज सारे एस्टैब्लिश्ड है, फिर हमको वहां पे जाकर के बात करना पड़ेगा और सर्विसेज हमको वहां से लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब मेरा शहर मेरा उस पर्टिकुलर सर्विस का वांट को सैटिस्फाई नहीं किया। हमको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना था अपना जॉर्ज अकेडमी के लिए, राइट, जो अकेडमी का हर चीज को टेक्नोलॉजिकली कैटर करेगा, हर चीज को, है ना, एवरीथिंग, योर अटेंडेंस, योर फीस कलेक्शन, एवरीथिंग विल बी डन बाय दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। ह्यूमन इंटरवेंशन कम करना है हमको, सो देयरफॉर आई नीड टू डेवलप दैट सॉफ्टवेयर, आई नीड दैट सर्विस हियर, बट नोबडी इज रेडी टू गिव मी दैट सर्विस हियर। वो सिस्टम ही नहीं है यहां पे, नहीं ऐसे लोग यहां पे, नहीं ऐसा कंपनी यहां पे, सो इन दैट सो इट बिकम्स, that is why it's one of the function of this economy to ensure to provide those goods and services jo yahan ke logo ko chahiye. sab to nahi de payenge lekin jitna had se zyada zyada jitna zyada se zyada diya ja sake wo dene ka koshish us economy ko shahar ko karna hai to provide employment or income opportunity. obviously that's what we started a discussion with this. इकोनॉमी इज बेसिकली सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगर मेरा शहर मेरे को अपॉर्चुनिटी ही नहीं दे रहा है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है यहां पे कमाने के लिए, आज जो हमारे शहर में जो इंजीनियर्स है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, उनके पास आसनसोल में अपॉर्चुनिटी नहीं है कमाने का, आसनसोल में सॉफ्टवेयर कंपनीज नहीं है, सो देखो जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, जितना भी लोग क्या कर रहे हैं, लोग पढ़ करके आसनसोल से क्या चले जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बैंगलोर जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनका शहर ये अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है? दूसरा शहर कर रहा है, बैंगलोर कर रहा है, हैदराबाद कर रहा है, सो देयरफॉर दे विल गो टू बैंगलोर एंड गो टू हैदराबाद, बिकॉज हैदराबाद एंड बैंगलोर कंपेयर टू आवर सिटी प्रोवाइडिंग मोर अपॉर्चुनिटी इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। सो ये फंक्शन होता है इकोनॉमी का कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे, ताकि लोग अपना इनकम, राइट, अपना अर्निंग, अपना लिविंग कमा सके। तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है किसी भी इकोनॉमी का, यही है गुड्स और सर्विस। देखो, और ये दोनों आपस में लिंक है, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होंगे तो ऑटोमेटिकली लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो मतलब लिविंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, मतलब उनका इनकम बढ़ेगा। मेन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एक इकोनॉमी का मेन सेक्टर, ये जो हम लोगों ने सेक्टर मतलब इसको बोल सकते हैं डिवीजन, एक इकोनॉमी का डिवीजन, मेन डिवीजन, ये जो डिवीजन हम लोग लाए हैं, ये जो डिवीजन बनाया गया है, ये कैसे बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तो हम लोग फटाफट तीन तो डिवीजन पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, तीन डिवीजन है, थ्री सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, बट हाउ द इकोनॉमी हैज बीन डिवाइडेड इनटू दिस थ्री सेक्टर्स। सो से सपोज दिस इज आसनसोल, आवर सिटी, एंड हियर यू हैव गॉट पीपल वर्किंग, सब कोई अपना अपना कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, अपना जिंदगी जीने के लिए हर कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है, ठीक है। सो आई विल जस्ट गिव यू सम एग्जांपल्स कि क्या काम हो रहे हैं यहां पे, समझिए, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, लॉयर का भी यहां पे स्कोप है, ठीक, कोई बिल्डर है, कॉन्ट्रैक्टर जिसको बोलते हैं, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई बिल्डर है, अच्छा, किसी का कोई फैक्ट्री है, जैसे बिस्किट फैक्ट्री है मान लो, किसी का
कपड़ा का फैक्ट्री है, क्लोथिंग बिजनेस में है, राइट, कोई फर्नीचर का बिजनेस में है, फर्नीचर प्रोड्यूस कर रहा है, कोई डेयरी फार्मिंग में है, अलग अलग नेचर का काम कर रहे हैं, राइट, दूध दही ये सब बेच रहा है, तो कोई किसानी में है, फार्मिंग में है, कोई नर्सरी में है, प्लांट्स पेड़ पौधा बेच रहा है, कोई मीट बिजनेस में है, मीट का बिजनेस कर रहा है, पोल्ट्री मुर्गी जो होता है, चिकन का बिजनेस कर रहा है, मटन का बिजनेस कर रहा है, फ्लेश का बिजनेस कर रहा है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर, इन अ सिटी, इन अ प्लेस, यू विल फाइंड डिफरेंट वेरियस पीपल परफॉर्मिंग वेरियस काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सो व्हेन यू लुक एट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेरी क्लोजली, यू विल बी एबल टू ग्रुप देम, आप उनको ग्रुप कर सकते हैं, क्योंकि टोटल तीन ही कारण है, या बोल सकते तीन ही तरीका है जिससे आप अपना लिविंग कर सकते हो. पहला तरीका सर्विसेज दे करके. अगर आप देखें डॉक्टर, सीए, टीचर, लॉयर, ये लोग क्या देते हैं? सेवा देते हैं, ये लोग सर्विसेज करते हैं. दूसरा तरीका कुछ बना करके, मैन्युफैक्चरिंग करके, आप कुछ बनाइए, प्रोड्यूस करिए और बना करके बेचिए. बिल्डर बिल्डिंग बनाता है, कोई बिस्किट फैक्ट्री है, कोई किसी का क्लॉथ फैक्ट्री है, किसी का फर्नीचर का फैक्ट्री, किसी का कन्फेक्शनरी का फैक्ट्री है, बहुत सारा अलग अलग तरीका का प्रोडक्ट्स बनाए. सो बेसिकली प्रोडक्शन, आप कुछ बनाइए. और थर्ड होता है, अगर आप देखोगे डेयरी फार्मिंग, नर्सरी, मीट, ये सब नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करके वो लोग धंधा कर रहे हैं. सो तीन तरीका है अपना लिविंग कमाने के लिए. नेचर से जो आपको मिला है, आप पहले नेचर की तरफ देखो. देखो एक चीज हमेशा याद रखना, इंसान को कभी भी कोई चीज की जरूरत होती है ना, तो हम लोग सबसे पहले ऑप्शन, ये सदियों चले आ रहा है, हम लोग सबसे पहले उसका समाधान नेचर में देखते हैं कि नेचर मेरे को वो चीज दिया है कि नहीं दिया है, राइट. तो जब इंसान धंधा भी करना शुरू किया ना, तो सबसे पहले जब ट्रेड भी शुरू हुआ, बार्टर सिस्टम को अगर आप देखोगे, तो बार्टर सिस्टम में जब ट्रेड होता था, तो वो नेचुरल प्रोडक्ट्स का, नेचुरल रिसोर्सेस का, जो हमको नेचर ने दिया है, वहां पे उस समय कोई फैक्ट्री नहीं थी कि कुछ बनाया नहीं जाता था, नेचर से दिए हुए प्रोडक्ट्स को उसी से हम लोग क्या करते थे, ट्रेड करते थे. अगर आप लोगों ने ध्यान से बचपन में वाटर सिस्टम पढ़ा होगा, 6-7 का हिस्ट्री बुक में शायद था, तो जब भी कोई जरूरत पड़ता है, तो हम लोग सबसे पहले, सो नेचर हमको समाधान देता है. सो देयर आर नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल रिसोर्सेस, उनको हम एक्सप्लॉइट करके धंधा करेंगे, या तो हम कुछ बना करके धंधा करेंगे, और या तो हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. सो ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज बींग परफॉर्म्ड इन अ पर्टिकुलर एरिया, यू कैन ग्रुप देम, आप उसको तीन अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं. एक पर्टिकुलर एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं, आप ऑब्जर्व करिएगा, किसी भी शहर में, किसी भी जगह में, दुनिया का किसी भी कोना में जाइए और जा करके पता करिए कि वहां पे जो लोग अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, उन लोगों का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो लोग क्या काम करके कमा रहे हैं. तो जब आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो आपको पता चलेगा कि उनका इकोनॉमिक एक्टिविटीज यही तीन कैटेगरी में ही बांटा जा सकता है. और वो तीन कैटेगरी है, सबसे पहला प्राइमरी, दैट इज ऐसा सेक्टर जहां पे लोग अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं नेचर से दिए गए रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करके, वेरी सिंपल. सो यहां पे नेचुरल रिसोर्स, द एक्टिविटीज डायरेक्टली बेस्ड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेस. So what nature has given to you, आप उसको exploit कर रहे हैं, right? Farming, vegetation, poultry farming, fishery, है ना, dairy farming, ये सब nature ने हमें दिया है, correct? गाय nature ने हमें दिया है, but उसका दूध निकाल के उसका business करना वो इंसान करता है. उसका दूध निकाल के उस दूध से दही बनाना, घी बनाना, मक्खन बनाना, पनीर बनाना, वो इंसान करता है.
सो बेसिकली हम लोग क्या किया, नेचर से दिया गया रिसोर्सेस को हम लोगों ने लिया और उसी को हम लोग ने एक्सप्लॉइट करके अलग प्रोडक्ट्स बना करके हम लोग उससे बिजनेस कर रहे हैं। क्लियर कड़े में पॉइंट। मुर्गी नेचर दिया, अंडा मुर्गी दिया, बट अंडा का धंधा हम लोग किया, इंसान किया। सो देयरफॉर व्हाट इज हैपनिंग हियर, वी आर एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेस। सो देयरफॉर पीपल हु आर एंगेज्ड इन अर्निंग देयर लिविंग बाय एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेस, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी। प्राइमरी कम्स फ्रॉम द वर्ड प्राइम, सबसे पहले। तो दैट्स व्हाई आई सेड कि इंसान को जब भी जरूरत पड़ा है किसी चीज का तो हम लोग सबसे पहले नेचर में से उसका सोल्यूशन देखते हैं। नेचर बहुत कुछ का समाधान देता है हमें। और इंसान जब ट्रेड भी शुरू किया था, बाटर सिस्टम इसका गवाह है। बाटर सिस्टम में उन्हीं सब प्रोडक्ट्स का ट्रेड होता था जो नेचुरली अवेलेबल थे। सेकेंड आता है सेकेंडरी। यहां इंसान क्या कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर से जो रॉ मटेरियल मिलता है उस रॉ मटेरियल को हम लोग कन्वर्ट करते हैं दूसरा कोई प्रोडक्ट में, उसे कुछ और रूप देते हैं और उसका हम लोग बिजनेस करते हैं। सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विद द हेल्प ऑफ द रॉ मटेरियल प्रोड्यूस बाय द प्राइमरी सेक्टर। सो गन्ना, शुगर केन, ये हमको नेचर ने दिया, बट उस शुगर केन से शुगर बनाए हम लोग। तो कल्टीवेशन ऑफ शुगर विल कम अंडर द प्राइमरी सेक्टर। कोई गन्ना उगा करके भी कमा रहा है और कोई गन्ना से चीनी बना करके भी कमा रहा है। गन्ना उगा करके किसान कमा रहे हैं, वो प्राइमरी सेक्टर में आ गया। हम किसानों से गन्ना खरीदे हैं और उनसे गन्ना खरीद के गन्ना से शुगर केन से मैं चीनी बना रहा हूं, तो चीनी मेरा प्रोडक्ट है। हम आ गए किसमें, सेकेंडरी सेक्टर में, क्योंकि हम यहां पर कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर है, इसमें कोई डाउट? बढ़िया, समझ में आया। सो सेकेंडरी सेक्टर बेसिकली क्या करता है, इसको ऐसे बोल सकते हैं प्राइमरी सेक्टर का जो आउटपुट है, प्राइमरी सेक्टर का जो रिजल्ट है, उसका जो आउटपुट है वो सेकेंडरी सेक्टर का इनपुट बन जाता है। तो ये जो उगाते हैं ये उनको यूज करते हैं और उनके लिए, इन सेकेंडरी सेक्टर के लिए वो उनका रॉ मटेरियल है और उसको यूज करके, एक्सप्लॉइट करके वो लोग आगे नया फर्दर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। थर्ड इज टर्शरी। देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही सेक्टर कुछ ना कुछ बनाने में लगे हुए हैं। ये नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करके बना रहे हैं और ये प्राइमरी सेक्टर का आउटपुट को लेकर के बना रहे हैं। लेकिन इन दोनों सेक्टर को कुछ सर्विसेज की जरूरत है, इन दोनों सेक्टर को सेवाएं की जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर, गन्ना एक किसान उगा तो लेगा, लेकिन खेत से गन्ना को शुगर मिल तक लेकर के आना, फैक्ट्री तक लेकर के आना, इसके लिए हमको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, हमको इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज चाहिए, राइट? किसान गन्ना उगाने के लिए बीज खरीदेगा, फर्टिलाइजर्स खरीदेगा, उसको ट्रैक्टर चाहिए कल्टीवेशन के लिए, ये सब के लिए उसको पैसा चाहिए। ये पैसा उसको बैंक देता है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिलता है उसको, बैंक देता है या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देगा। सो बैंक उसको क्या दे रहा है, फाइनेंशियल सर्विस दे रहा है। इस तरह का सर्विसेज चाहिए, राइट? आज आप सामान बना तो लोगे, किसान चावल उगा तो लिया, यहां पे चीनी बन तो गया, बट वो रखेंगे कहां? उसके लिए हमको गोडाउन, वेयर हाउसिंग सर्विसेज चाहिए। So there are lot of services which are required by the primary and the secondary sector, and these services are provided by the tertiary sector. So basically we can say that tertiary sector comprises of all those activities which are involved in providing these services to the primary and the secondary sector. So yahan likha hua, it comprises the activities that provide support to primary and secondary sector through the various services. Jaise ki maine kaha, hospital, that is also comes under tertiary sector. School, tertiary sector. Transport, tertiary sector. School, tertiary sector. This all comes under tertiary sector.
क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? सो वी हैव अंडरस्टूड इकोनॉमी, करेक्ट? इकोनॉमी क्या है? इट इज अ सिस्टम बाय विच पीपल गेट द लिविंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस, एक पर्टिकुलर एरिया का सिस्टम. सो हर प्लेस का सिस्टम अलग अलग है, बेटर है, एक दूसरे से अच्छा है. तो जिस जगह का सिस्टम अपने लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है तो उस जगह का इकोनॉमी ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है. सो इकोनॉमी इज वी कैन से द सम टोटल ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज बीइंग परफॉर्म्ड एट अ पर्टिकुलर प्लेस और द सिस्टम दैट इज गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू लिव टू अर्न द लिविंग. विद दिस डेफिनेशन वी हैव अंडरस्टूड that every place will provide certain system and in every city, in every place, people are engaged in earning alag-alag tarika se. By observing the types of economic activities being performed by the people, we can say that there are only three possibilities. Teen hi possibility hai jisse aap paisa kama sakte hain. Pehla, nature se diye resources ko use karke. Second, नेचर से दिए गए रिसोर्सेस को लेकर के कुछ उससे बना करके, या आप कुछ विदाउट नेचर से दिया जो रिसोर्सेस उसको भी बिना यूज करके बना सकते हैं. आप कुछ प्रोड्यूस, कुछ प्रोडक्ट बना सकते हैं, कार बनाइए, है ना, साइकिल बनाइए, करेक्ट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज कार बनाने के लिए भी जो हमको टायर चाहिए होता है वो टायर भी रबर से आता है. सो द लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व इन दिस. सो सेकेंडरी में हम कुछ खुद से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम नेचर का साथ कम ले रहे हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स को नहीं ले रही, ये मैनमेड प्रोडक्ट्स है. और थर्ड तरीका होता है पैसा कमाने का, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करिए और उसके लिए अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करिए और ये भी आपका पास एक अपॉर्चुनिटी हो जाता है अपना लिविंग कमाने का. एंड दैट वाज टर्शियरी सेक्टर. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. बेसिक यूनिट्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, इसका मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ एन इकोनॉमिक एंटिटी. सबसे पहले हम लोग समझेंगे एक इकोनॉमिक एंटिटी क्या होता है. एंटिटी वन पर्टिकुलर आई सेट अब यूनिट. सो जॉर्ज एकेडमी इज वन ऑफ द यूनिट ऑफ द एंटायर इकोनॉमी सिस्टम ऑफ आसनसोल. इस शहर का हम लोग एक छोटा सा एक यूनिट है, एक एंटिटी है. क्या है हम लोग? एक इकोनॉमिक एंटिटी है. अब ये इकोनॉमिक एंटिटी क्या होता है? देखिए, वेरी सिंपल, एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल यूनिट, राइट, जो खुद से कैपेबल है ऑफ डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली. जॉर्ज एकेडमी विल बी कॉल्ड एज एन इकोनॉमिक यूनिट और इट विल बी कॉल्ड एज एन इकोनॉमिक एंटिटी. क्यों? बिकॉज जॉर्ज एकेडमी इज कैपेबल, जॉर्ज एकेडमी इज कैपेबल ऑफ डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज. वी आर डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज. द टीचिंग सर्विसेज विच आर बीइंग प्रोवाइडेड हियर इज बेसिकली द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ जॉर्ज एकेडमी, बिकॉज फॉर दिस वी आर चार्जिंग. And these economic activities we are performing independently. We are not dependent upon anybody. It is the decisions are taken by us. For example, हम digital board से पढ़ाएंगे कि white board से पढ़ाएंगे, ये decision हम लेते हैं, हम लोग लेते हैं, correct? ये class record होगा कि नहीं होगा, ये decision हम लोग लेंगे. हम fan on करके पढ़ाएंगे कि हम इस room में AC लगा के पढ़ाएंगे, ये decision हम लेंगे. हम चॉक से लिखेंगे बोर्ड में कि हम व्हाइट बोर्ड मार्कर लेकर के आएंगे, मार्कर से लिखेंगे, ये डिसीजन हम लोग का है. सो इस तरह का डिसीजन इंडिपेंडेंटली जब कोई एक एंटिटी लेता है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक एंटिटी. सो जॉर्ज एकेडमी इज एन इकोनॉमिक एंटिटी. Why we are using the word economic in the case of George Academy? Because George Academy is for giving tuition services. And for that, George Academy charges fees. So we are performing economic activity. And are we called, can we call ourselves, can we call George Academy as economic entity? Yes, because George Academy is an institution. George Academy has a definite, it's a separate body. George Academy has a separate identity. And George Academy is performing the economic activities on its own. And George Academy is taking economic decision on its own. And therefore, George Academy will be called as what? Economic entity. So, इस तरह का एक economy में बहुत सारा economic activities, sorry, एक economy में बहुत सारा economic entities है. ऐसा entities है. So, आपको पता होना पड़ेगा कि एक economy में कौन-कौन सा entity होता है. So, उसी के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे.
So, score एक definition है, individual और institution which take economic decisions. So, let's come to the classification of economic entities. So, economic entities में, please don't look at the book now. Please, once I complete this chapter, then you can read it. So, classification of economic entities. The first economic entities is consumer. याद रखना, एक economy का है ना, जब हम एक बात करते इकोनॉमी का, उसको हम बात करते एक इकोनॉमिक एंटिटी का, तो सबसे पहला इकोनॉमिक एंटिटी होता है कंज्यूमर. कौन होते हैं कंज्यूमर? हिंदी में बोले तो उपभोक्ता, जो किसी चीज का भोग करे. कंज्यूमर, कंज्यूम, कंजम्पशन. अगर देखो, कंज्यूमर्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है. क्यों? क्योंकि कंज्यूमर्स हम और आप जैसे लोग, हम लोग कंजम्पशंस करते हैं. अगर हम लोग अपना कंजम्पशंस करना बंद कर दें या हम लोग कंजम्पशन को कम कर दें, तो फिर जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, फॉर एग्जांपल हम छोटा सा एग्जांपल देते हैं, अगर आज आप लोग सब कोई डिसाइड कर ले कि हम लोग इकोनॉमिक्स ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे, हम लोग घर से ही पढ़ेंगे, हम लोग अपना घर में खुद से पढ़ लेंगे, वी डू नॉट नीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स, वी डू नॉट नीड टू गो फॉर एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा हेल्प फॉर एज एन इकोनॉमिक ट्यूशन. सो व्हाट विल हैपन? द मोमेंट यू एज अ कंज्यूमर, यू स्टॉप, यू टेक अ डिसीजन टू स्टॉप कंज्यूमिंग माई सर्विसेज और इकोनॉमिक्स ट्यूशन का सर्विसेज, व्हाट विल हैपन? इट विल डायरेक्टली इंपैक्ट मी. So me as a producer, हम जो ये सर्विस प्रोड्यूस कर रहे थे, अब हम ये मेरा प्रोडक्शन ही क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा और मेरा अर्निंग भी इंपैक्ट करेगा. सिंस यू आर रेडी टू कंज्यूम, यू आर विलिंग टू कंज्यूम, सो देयरफॉर दैट हैज गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस दिस सर्विस. सो एक चीज याद रखना, कंजम्पशन का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी इकोनॉमी में. सो कंजम्पशन रुकना नहीं चाहिए. लोग कंज्यूम करते रहेंगे तो उस शहर का, उस जगह का इकोनॉमी का जो चक्का है वो घूमते रहेगा. बिकॉज देखो यहां पर लिखा हुआ है, बेसिक इकोनॉमिक एंटिटीज इन इकोनॉमी, दे कंज्यूम वेरियस गुड्स एंड सर्विस, देयर ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. तो इससे बोलता है कि कंज्यूमर जो होते हैं वो बेसिक एंटिटी है, बुनियादी है वो. उनका बिना हम एक इकोनॉमी का, एक सिस्टम का, जो इकोनॉमी का डेफिनेशन मैंने आपको दिया, सिस्टम विच प्रोवाइड्स द लिविंग, वो सिस्टम ही क्रैश कर जाएगा अगर लोग कंजम्पशन करना बंद कर देंगे. जैसे मैंने कहा, छोटा सा एग्जांपल दे करके, अगर आप लोगों ने ट्यूशंस लेना बंद कर दिया, अगर आसनसोल के सारे बच्चे, सारे पेरेंट्स ये डिसीजन ले लेते हैं कि हम लोग कोई ट्यूशन नहीं जाएंगे, तो रातों रात आसनसोल का सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो जाएगा. जरूरत नहीं फिर हमारा. जब कंजम्पशन ही नहीं होगा तो हम प्रोड्यूस क्या करेंगे और किसके लिए करेंगे? क्लियर है? समझ में आ रहा है? सो कंजम्पशन, दैट कंज्यूमर्स आर द वेरी बेसिक एंटिटी ऑफ एन इकोनॉमी. अच्छा, एक चीज आपको बता दें, हम लोग जब कंज्यूमर के बारे में बात करते हैं तो कंज्यूमर में हम लोग इंडिविजुअल को भी लेते हैं और एक इंस्टीट्यूशन को भी ले सकते हैं, वो भी हमारे लिए कंज्यूमर का बात है. स्कूल, स्कूल इज स्कूल से तो बहुत सारा कंजम्पशन करता है. स्कूल को हम लोग इकोनॉमिक एंटिटी बोल सकते हैं बिकॉज स्कूल बहुत सारा कंजम्पशन कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, डिसीजन भी खुद ले रहा है. स्कूल क्या कंजम्पशन कर रहा है भैया? स्कूल में ब्लैक बोर्ड लग रहा है, व्हाइट बोर्ड लग रहा है, स्कूल में स्टेशनरीज लग रहा है. तो ये लोग कंजम्पशन कर रहे कि नहीं कर रहे? आज ये लोग स्टेशनरी कंजम्पशन करना बंद कर रहे हैं. ये लोग बोलेंगे हम लोग पेपरलेस चले जाएंगे, हम लोग बोर्ड यूज नहीं करेंगे. तो ऑटोमेटिकली जिनका स्टेशनरी का व्यापार है, जो बोर्ड्स बना रहे, जो स्टेशनरी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनका प्रोडक्शन इंपैक्ट करेगा. Right? So when we are talking about the consumer, please do not have only ये mindset मत रखना, ये भी mindset में रखना. जैसे George Academy भी consumer है, George Academy भी stationery consume करता है, George Academy भी बहुत सारा चीज को consume करता है ये services को create करने के लिए. तो अगर कल को अगर आप पढ़ना बंद कर दें तो हम production करना बंद कर देंगे, हम production करना अगर बंद कर दें तो मेरा जो consumption है वो भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा और वो किसी और को इंपैक्ट कर जाएगा. इट्स ऑल चेन. तो स्कूल क्या, जैसे हमने कहा, ब्लैक बोर्ड, स्टेशनरी, ये सब कंज्यूम करते हैं. और स्कूल में क्या ब्लैक बोर्ड होगा यूज, क्या स्टेशनरी यूज होगा, ये स्कूल का अपना डिसीजन है. एंड दैट इज व्हाई आई सेड दैट इकोनॉमिक एंटिटी इज इंडिपेंडेंट इन टेकिंग इट्स ओन डिसीजन.
सो दे आर कैपेबल ऑफ टेकिंग अ डिसीजन अलोन. कोई उसको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, कोई उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आपको क्या ब्लैकबोर्ड यूज कर रहा है, कौन सा स्टेशनरी यूज कर रहा है. ये स्कूल के ऊपर भी डिपेंड करता है. करेक्ट. नेक्स्ट होता है हाउसहोल्ड. अब देखो अभी क्या ना, रिसेंटली क्या हो गया, इकोनॉमिस्ट लोग हाउसहोल्ड और कंज्यूमर ये दोनों को इंटरचेंजली यूज कर रहा है. तो बेसिकली अभी तो कंज्यूमर्स है, बट ब्रॉडर सेंस में कंज्यूमर को भी हम लोग हाउसहोल्ड के अंदर में डाल सकते हैं. अब हाउसहोल्ड क्या होता है, एक सिंगल रूफ के नीचे, एक सिंगल रूफ के नीचे लोग जो रह रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग अंडर अ सिंगल रूफ एंड टेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन जॉइंटली. अ हाउसहोल्ड रिफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग अंडर अ सिंगल रूफ एंड टेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन जॉइंटली. इमेजिन करो, इस पिक्चर को देख करके इमेजिन करो अपना परिवार, अपना घर, और यहां पे तुम है, तुम्हारे भाई है, तुम्हारे बहन है और तुम्हारे मम्मी पापा है, एंड यू गाइज आर स्टेइंग अंडर अ सिंगल रूफ. सो यू ऑल बिकम अ हाउसहोल्ड बिकॉज यू गाइज टूगेदर आर टेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस. अब तुम बोलो कि किस तरह का इकोनॉमिक डिसीजन लिया जा रहा है इस घर में, इस हाउसहोल्ड में. एग्जाम्पल के तौर पर एडुकेशन का बात आया. अब एडुकेशन का बात आया तो हम अपना बच्चा को कौन सा स्कूल में डालें, एक्स में डाले कि वाई में डाले. करेक्ट. इसका फीस देखा जाएगा, इसका फीस देखा जाएगा, क्वालिटी देखा जाएगा, उसके बाद एक घर का इनकम हुआ, घर का इनकम का कितना प्रतिशत एडुकेशन में जाएगा, क्लॉथ कपड़ा में जाएगा, एंटरटेनमेंट में जाएगा, फूड में जाएगा. ये क्या है, ये तो इकोनॉमिक डिसीजन है. सो दिस इज व्हाट योर इनकम इज, फैमिली इनकम, हाउसहोल्ड का इनकम, दिस इज अ रिसोर्स. व्हाट पोर्शन ऑफ द रिसोर्स विल बी स्पेंट ऑन एडुकेशन, व्हाट पोर्शन ऑफ योर इनकम शुड बी स्पेंट ऑन फूड, what portion of your income should be spent on clothing. why these are decisions, because the resources, the income is limited and the wants of this household are unlimited, and so therefore you have to make the best decision so that you can take the maximum satisfaction. aap zyada se zyada satisfaction le paaye. so ye decision lena padta hai. और ये डिसीजन सबको यहां पे ज्यादातर अभी आपके पेरेंट्स ले रहे हैं. आप शायद उसमें उस डिसीजन में उतना कंट्रीब्यूट ना करें, लेकिन अभी आप भी कंट्रीब्यूट करते हैं. हमको यहां नहीं पढ़ना, हमको वहां पढ़ना, मेरा वहां दोस्त लोग पढ़ रहा है तो मेरा हम अपना दोस्त लोगों के साथ पढ़ेंगे. तो उसमें आपने अपने मां बाप का डिसीजन को क्या कर दिया, इन्फ्लुएंस करने का कोशिश की. हम वहां अकेले पढ़ जाते हैं तो वहां मजा नहीं आता है, हम क्योंकि हम तो वहां पे पढ़ने नहीं जाते, पढ़ने के अलावा तो हमको बहुत भी कुछ करना है, तो वहां दोस्त लोग तो है नहीं, तो हम उधर जाएंगे दोस्त जहां पे मेरा फ्रेंड सर्कल है पढ़ने के लिए. राइट. तो व्हाट हैपेंस एट दिस एज ऑफ योर्स, यू आर आल्सो टेक पार्ट इन द इकोनॉमिक डिसीजन. फलाना जगह अच्छा पढ़ाई होता है, हम वहां जाएंगे. सो योर पेरेंट्स आर वॉन्टिंग यू टू सेंड टू समबडी एल्स, बट यू आर वॉन्टिंग टू गो टू समबडी एल्स. सो व्हाट इज हैपनिंग, यू आर आल्सो टेकिंग पार्ट इन दैट इकोनॉमिक डिसीजन, बट मेजर डिसीजन, द मेजर पार्ट ऑफ द डिसीजन टेकन बाय योर पेरेंट्स. सो जो भी हो, आज शॉपिंग कर रहा है, ईद आया, पूजा आएगा, हमको इतना कपड़ा खरीदना है, ये करना है, सो देन अगेन दैट इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक डिसीजन. हमको इतना शॉपिंग करना है, फेस्टिवल में ये खरीदना है, फोन खरीदना है, सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक डिसीजन. सो हाउस होल्ड में मतलब हुआ कि ग्रुप ऑफ पीपल्स स्टेइंग अंडर अ सिंगल रूफ, राइट, एंड टेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन जॉइंटली. सो हाउसहोल्ड्स आल्सो अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी. सो अभी कंज्यूमर को भी ना हम लोग इसी कैटेगरी में ला सकते हैं, और याद रखना ये वही हाउसहोल्ड है जो कंजम्पशन करता है, क्योंकि कंजम्पशन करने वाले तो यही है ना भाई, राइट. सो इसलिए हम लोग अभी हाउसहोल्ड को ही मान ले, कंज्यूमर्स को हम लोग इसी कैटेगरी के अंदर में डाल सकते हैं.
ठीक है। सो हाउस होल्ड इंपॉर्टेंट है, हाउस होल्ड के बाद आता है प्रोड्यूसर, फर्म, फर्म्स प्रोड्यूसर। हम लोग ने अभी कंजम्पशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया, हम लोग कंज्यूमर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया, हमने बोला कि आप लोगों को इकोनॉमिक्स ट्यूशंस लेना है, सर्विसेज लेना है, आपको कंज्यूम करना है। बट अगर मान लो आसनसोल में कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है, व्हाट विल हैपन? एन अपॉर्चुनिटी मिस्ड। पढ़ने वाले तो है लेकिन पढ़ाने वाला कोई नहीं है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इकोनॉमी शुड प्रोवाइड अ सिस्टम वेयर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, क्यों? इसलिए पहला पॉइंट में फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेस टू सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द पीपल, करेक्ट। हम लोग पहला फंक्शन में पढ़ा इकोनॉमी का फंक्शन क्या है। तो उसी तरह फर्म, फर्म्स कौन है? प्रोड्यूसर्स, ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। द टर्म रिफर्स टू अ पर्टिकुलर यूनिट, सो फर्म्स आर ऑल्सो अ यूनिट, दे आर द पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, राइट। एंड व्हाट डिड दे डू, क्या करते हैं वो लोग? बनाते हैं, क्या बनाते हैं? या तो कमोडिटी बनाएंगे और या तो सर्विसेस बनाएंगे विथ अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। सो चाहे वो एक इंडस्ट्री हो जहां पे किसी तरह का प्रोडक्ट बन रहा है, चाहे वो एक हॉस्पिटल हो, चाहे वहां पे मेडिकल सर्विसेस बन रहा है, दे आर द प्रोड्यूसर्स। इफ दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग दिस सर्विसेस, करेक्ट, हाउ विल द पीपल हु आर सिक, जो बीमार है, जिनका हेल्थ इश्यूज है, उनको जो सर्विस चाहिए वो कहां से कंज्यूम कर पाएंगे अगर हॉस्पिटल ही नहीं रहेगा? सो फर्म्स आर इंपॉर्टेंट। सो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ये याद रखना, ये एक ही सिक्का के दो पहलू है। तो जब हम लोग बात करते हैं यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी का, इकोनॉमी का एंटिटी का, इकोनॉमी में कौन कौन है, किनका किनका भागीदारी, ऐसे समझते हैं एक इकोनॉमी में किनका किनका भागीदारी है, तो कंज्यूमर का है, कंजम्पशन है, हाउस होल्ड एक कंजम्पशन करने वाले हैं और एक बनाने वाले हैं प्रोड्यूसर्स से। इसीलिए ये एक एक्सचेंज रिलेशन होता है, एक एक्सचेंज रिलेशन होता है बिटवीन द हाउस होल्ड एंड द फर्म। व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड एक्सचेंज, क्योंकि दोनों ही हाउस होल्ड और फर्म्स प्रोड्यूसर दोनों ही एक दूसरा को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि शायद अगर ये आपको नजर नहीं आए तो मैं ये बना देता हूं आपको क्या है बोल रहे। जैसे यहां है कंज्यूमर और यहां है प्रोड्यूसर, ध्यान से समझिएगा। प्रोड्यूसर जो गुड्स बनाता है वो गुड्स इधर फ्लो होता है, सो ये उनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, करेक्ट। सो ये लोग कंजम्पशन कर रहे हैं, ये अगर कंजम्पशन कर रहे हैं तो ये लोग इनको क्या दे रहे हैं? इनकम प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये प्रोड्यूसर गुड्स बना रहा है, ये गुड्स बना रहा है क्योंकि इसको यूज करना है, तो ये उसका गुड्स को कंज्यूम करता है, उसके बदला में कंज्यूमर उनको क्या देता है? पैसा देता, फॉर एग्जाम्पल। सो देयरफॉर प्रोड्यूसर्स के लिए इनकम जनरेट कहां से हो रहा है? कंज्यूमर से। और कंज्यूमर का वांट सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स और सर्विसेज कहां से आ रहा है? यहां से। अब देखो, प्रोड्यूसर को लेबर चाहिए, हम छोटा सा एग्जांपल देखे बोल, इनको लेबर चाहिए, काम करने के लिए लोग चाहिए, वो काम करने का जो लोग है वो कहां से आएगा? अगेन, सो हाउस होल्ड, वही कंज्यूमर, हाउस होल्ड समझ लो, हम यहां पे कंज्यूमर लिखे, आप इसको हाउस होल्ड समझ लीजिए, ब्रॉडर कंसेप्ट में हाउस होल्ड समझ लेते हैं। तो ये जो लेबर प्रोवाइड किया जा रहा है प्रोड्यूसर को, फर्म्स को, ये फर्म्स को लेबर कहां से जाता है? हाउस होल्ड से, हो गया। अब जब हाउस होल्ड से लेबर जाता है फर्म के पास, तो फर्म क्या उनसे मुफ्त में काम करवाएगा? नहीं, फर्म उनको क्या देगा? सैलरी, रेमुनरेशन। तो वो रेमुनरेशन अब इसके लिए क्या बन जाता है? हाउस होल्ड के लिए उनका इनकम बन जाता है, क्लियर। अब ये इनको इनकम प्रोवाइड कर रहा, अब इनके पास जैसे इनकम आएगा, इनका इनकम बढ़ेगा, तो ये लोग क्या करेंगे? गुड्स और सर्विसेज और खरीदेंगे। तो इनको गुड्स और सर्विसेज कहां से खरीदना है? ये साइकिल
चलते रह रहा है। देखो तो दोनों, इसलिए मैंने कहा कि बोथ आर कॉम्प्लीमेंटेड, कॉम्प्लीमेंट टू इट ईच अदर, सो दे हैव टू कोएग्जिस्ट, एक साथ एग्जिस्ट करना है, इंटरडिपेंडेंट। इसलिए दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड इज एन एक्सचेंज रिलेशनशिप, इट्स एन एक्सचेंज। सो लेट अस अंडरस्टैंड, द प्रोड्यूसर फर्म इज प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज कमिंग टू द हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड कंजम्पशन करता है, इन रिटर्न हाउसहोल्ड इज गिविंग दैट मनी फॉर द सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर, दैट इज एन इनकम फॉर द हाउसहोल्ड, फॉर द प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दे नीड लेबर्स, एंड लेबर के अलावा भी और भी कुछ है, बट हमसे अभी लेबर बात कर रहे हैं। वो लेबर फर्म को कहां से मिलता है? हाउसहोल्ड से मिलता है, और उस लेबर के एफर्ट के बदले में प्रोड्यूसर उनको क्या दे रहे हैं? सैलरी, रेमुनरेशन, वो इनकम इनको मिल रहा है। तो दिस सर्कल कंटिन्यूस, सो दैट इज व्हाई दिस इज हाउ दे आर, दे हैव अ, दे शेयर अ रिलेशनशिप, दे आर इंटर रिलेटेड, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, लोग एक साथ को एग्जिस्ट करेगा। सेइंग दैट ओनली प्रोडक्शन एंड नो कंजम्पशन हो नहीं सकता, ओनली कंजम्पशन विदाउट प्रोडक्शन यू कैनॉट कंज्यूम एनीथिंग इफ देयर इज अ प्रोडक्शन, सो दैट इज व्हाई देयर इज एन एक्सचेंज रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड ये हाउसहोल्ड्स। Now, the next unit of the economy is government. Very important. Government, हम लोग यहां पे किसे कह रहे हैं? Government, हम लोग वो सारे regulatory body, regulatory मतलब जो एक particular जगह का policies, कानून, law को क्या करता है? Regulate करता है, monitor करता है. So, the term government includes all regulatory bodies, जैसे Government of Tamil Nadu, this is also government. Bharat Sarkar, government. Delhi Municipal Corporation, again it will come under government because they are all regulatory bodies. DMC, हम लोगों का AMC, Asansol Municipal Corporation, वो Asansol area का यहां का चीज को क्या कर रहा है? वो regulate कर रहा है. So lot of things. अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कल को आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोल दिया कि रोड से 70 फुट 40 फीट साइड बाय साइड कुछ भी दुकान नहीं लगेगा, क्या हो गया? रातों रात सारा दुकान खाली हो गया। सो दीज आर द रेगुलेटरी बॉडीज, सो रेगुलेटरी बॉडीज का भी बहुत इफेक्ट होता है बिकॉज वो लोग फर्म्स का, वो लोग फर्म का और कंज्यूमर का बिहेवियर को क्या करता है? अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल बिहार में बोल दिया लिकर बैन, so policy आया liquor ban, so no alcohol in Bengal, in Bihar, so what happened, जो बिहार में जो alcohol के producers थे उनको बंद करना पड़ा अपना factory, या जो लोग बेचते थे shop वो shop भी बंद करना पड़ गया। so what happened, the regulatory body वो लोग अपने policies से क्या करते हैं? वो लोग consumer का behavior को क्या करते हैं? influence करते हैं। अभी अगर मान लो रातों रात लग गया बैंड ऑन द सिगरेट्स, नो सिगरेट इन कंट्री विल बी सोल्ड, बैंड बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉन्ट्स द पीपल टू बी हेल्दी एंड हेंस नो स्मोकिंग, सो द बिहेवियर, दिस इज अ पॉलिसी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर, सो वंस इट इज डन ऑल द टोबैको कंपनी विल गेट शट, दोज हू आर इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिगरेट्स, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो गवर्नमेंट बेसिकली प्रोड्यूसर बना रहा है, समझो प्रोड्यूसर बना रहा है और हाउसहोल्ड कंज्यूम कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करता है? वो रोल प्ले करता है कि कंज्यूमर क्या कंज्यूम करे और प्रोड्यूसर क्या बनाए, वो इनडायरेक्टली उस चीज को कंट्रोल कर रहा है अपने पॉलिसी के थ्रू। एंड द लास्ट इज फॉरेन सेक्टर, फॉरेन सेक्टर इज ऑल्सो अ पार्ट बिकॉज वी डू नॉट ओनली ट्रेड अमंग अ सेल्फ, राइट, हम लोग सामान बाहर भी, बाहर से भी खरीदते हैं और बाहर में बेचते भी है, वी बाय एंड वी सेल, बोथ हम लोग दोनों करते हैं, हम लोग दूसरे देश से सामान खरीद के भी लेके आते हैं और दूसरा देश में हम लोग सामान बेचते भी है, राइट। सो फॉरेन सेक्टर, अच्छा फॉरेन सेक्टर, फॉरेन कंपनीज अब इंडिया में आकर के अपना कंपनी लगाता है, फैक्ट्री लगाता है, तो फॉरेन से कैपिटल भी हमारे देश में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट भी क्या होता है? फ्लो होता है। सो दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द आर इकोनॉमी बिकॉज दे आर ऑल्सो टेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस इंडिपेंडेंटली एंड दे आर ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग द इकोनॉमी ऑफ दैट प्लेस। सो इफ टुमारो सैमसंग सेज कि आसनसोल में बड़ा इंडस्ट्री लगाएंगे, व्हाट हैपेंस?
आसनसोल की इकोनॉमी रातों रात चेंज हो जाएगा। क्लियर? सो रातों रात अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाएंगे, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाएंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पीपल विल गेट इन्वॉल्व विद दैट कंपनी। सो फॉरेन सेक्टर, सो अगर हम लोग एंटिटीज ऑफ एन इकोनॉमी समझे, एक इकोनॉमी में कौन कौन से प्लेयर्स है, इसको ऐसे समझते हैं, एंटिटी को हम लोग समझते हैं प्लेयर। सो अगर ये एक इकोनॉमी है, राइट, अभी जो बनाने वाले हैं ये पूरा चैप्टर का समरी होगा एक मिनट में। सो दिस इज इकोनॉमी, राइट, व्हाट इज इकोनॉमी, सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज बीइंग परफॉर्म, जितने सारे लोग यहां पे काम कर रहे हैं, अलग अलग नेचर के काम कर रहे हैं, सो सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज विल बी द इकोनॉमी ऑफ दैट प्लेस, राइट, क्लियर है। सो आई टेक दिस एज आवर सिटी आसनसोल, पीपल आर डूइंग वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज, और द सिस्टम दैट आसनसोल इज प्रोवाइडिंग टू इट्स पीपल टू अर्न देयर लिविंग, द अपॉर्चुनिटी, द सिस्टम थ्रू विच आसनसोल इज प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी टू द पीपल, वो हो गया आसनसोल की इकोनॉमी। करेक्ट, इकोनॉमी को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, किए थे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच द पीपल आर एंगेज्ड, यू विल फाइंड देयर आर थ्री ग्रुप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। हो गया? नाउ देयर आर सम प्लेयर्स, जिसको हम लोग यूनिट बोल रहे हैं, एंटिटी बोल रहे हैं, प्लेयर्स है वो लोग खिलाड़ी है इकोनॉमी का। क्या करते हैं वो लोग? उनका खेल से यहां की इकोनॉमिक एक्टिविटी इंफ्लुएंस होता है। और वो खिलाड़ी कौन कौन है? वो खिलाड़ी है कंज्यूमर्स, मतलब हाउसहोल्ड्स, दूसरा खिलाड़ी है प्रोड्यूसर्स, तीसरा खिलाड़ी नहीं है, अंपायर है गवर्नमेंट, जो अपना डिसीजन से इन दोनों का बिहेवियर को क्या करता है, चेंज करता है, और चौथा फॉरेन सेक्टर। राइट, क्लियर है? सो दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड टुडे, दीज आर द बेसिक एंटिटीज ऑफ एन इकोनॉमी, दीज आर द प्लेयर्स ऑफ एन इकोनॉमी। सो पहले इकोनॉमी में कौन कौन खिलाड़ी है, जैसे मैंने कहा तीन खिलाड़ी है और एक अंपायर है, रेफरी है, वो बिहेवियर ये करेगा, चेक करेगा, ठीक है। सो दिस इज द इकोनॉमी, दिस इज द बेसिक, एंड दीज आर द बेसिक एंटिटीज ऑफ एन इकोनॉमी। फर्स्ट आई टोल्ड यू व्हाट आर इकोनॉमी, सो फर्स्ट वी अंडरस्टूड व्हाट इज इकोनॉमी, सिस्टम जो अपने लोगों को कमा के देगा पैसा, अपॉर्चुनिटी देगा कमाने का सिस्टम, लोग तीन, वहां पे तीन तरीका के अपॉर्चुनिटी जनरेट होंगे, तीन अलग अलग सेक्टर में अपॉर्चुनिटी जनरेट होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, और चौथा हम लोगों ने देखा कि उस इकोनॉमी में कितने सारे प्लेयर्स मौजूद है। क्लियर, समझ में आया? सो वी एंड दिस चैप्टर हियर, द चैप्टर इज ओवर, थैंक यू।